प्रणाम जितने भी दर्शक देख रहे हैं, और ये हमारे जिज मित्र सोनू पांडे जी, सबसे करीब मित्र मेरे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में एक शुरुआत है। अभी रोशन जी ने यहाँ पे स्टूडियो, इनका स्टूडियो पटना में भी है जो कि बहुत अच्छा चलता है, और दो भाई हैं, दोनों भाई काम करते हैं, एक गौतम जी भी हैं, इनके छोटे भाई हैं, वो भी म्यूज़िक का काम करते हैं, और ये रोशन जी हैं, ये भी अच्छा काम करते हैं। तो अभी बॉम्बे मॉलों में शुरुआत किया है, स्टूडियो खुला है, आज ओपनिंग है, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। रोशन जी, मुंबई माया नगरी है, हर कोई यहाँ आने, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लग गया? आज सपना पूरा हुआ आपका, गांव से लेकर यहां तक पहुंचना? हर छोटे कलाकार का एक शौक होता है कि मैं बॉम्बे जाऊं, पहला सोच उसका वही आता है कि मैं भी बॉम्बे जाऊं, मैं भी बॉम्बे में रहूं। तो हमारा भी सोच शुरू से रहा कि कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा नाम करे जिससे हमारी एक चीज़ें आगे की बढ़े, और छोटा छोटा प्रयास करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, इस बीच दौरान में बहुत सारे चीज़ें, बाधाएँ भी आती है, लेकिन है कि जब ऊपर वाला चाहते हैं और दिल साफ हो तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। किस तरह के प्रोजेक्ट बनाएंगे आपने? सबसे पहले हमारी जो मेरी जिससे पहचान है, मेरा जिससे नाम है, भोजपुरी जो मेरा मातृभाषा भी है, तो वो तो मेरा सर्वप्रथम है पहले, लेकिन इसके अलावा हिंदी भी है, मगही है जिससे हम बिलोंग भी करते हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ से कंटिन्यू रहेंगे। आपको बता दें कि जितने स्टूडियो हैं सब नॉर्थ वालों के ही हैं, यूपी बिहार के जितने यहाँ पर आप बैठे हैं इसमें, तो एक नया नाम जुड़ गया रोशन जी के बारे में, क्या कहना चाहें, कितनी बड़ी खुशी आपको इस चीज़ को लेकर? बहुत खुशी है, और ये अच्छी बात है कि हमारे आसपास में जितने भी हैं सब अपने मित्र लोग हैं, और मैं भी आके एक सम्मिलित हो गया, तो उम्मीद है सबका प्यार आशीर्वाद जैसे मिला वैसे मिलता रहे। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम गया आपको? प्रयास जो कब से सोच रहे थे? प्रयास काफ़ी समय से रहा, ज़्यादा टाइम से नहीं लेकिन कि हाँ, 1-2 ईयर्स मैक्सिमम। मुंबई में बहुत सारे स्टूडियो, आपके स्टूडियो में लोग क्यों रिकॉर्डिंग करा के? खूबी क्या है, फैसिलिटी क्या आपके स्टूडियो की? सबसे अच्छी देखिए, आजकल भोजपुरी में, इनसे बोलने से पहले मैं बोल रहा हूँ, इनकी सबसे बड़ी खासियत है, ऐसे दो म्यूजिक डायरेक्टर हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में, तो बहुत ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका जैसे काम होता है, तो अभी सबसे ज़्यादा जो भोजपुरी में कमी है वो क्या है कि टाइम से किसी को प्रोजेक्ट नहीं मिलता, ठीक है? जैसे किसी ने टाइम दिया कि हम आपको 4 दिन बाद देते हैं, 10 दिन बाद देते हैं, ये चीज़ नहीं हो पाता है, पता चले कि 20 दिन लग गया। तो अभी का क्या है कि अभी जो स्थिति है रोशन जी का है, रोशन जी अगर बोलते हैं कि हाँ मैं 4 दिन बाद आपको देता हूँ, तो आपको तीसरे दिन ही दे देंगे, तो ये हमारी सबसे अच्छी खासियत है। गाने बहुत सारे हैं, एक गाना हम ही लोग का है जो कि अभी सबसे बड़ा गाना अभी बिहार का था, अभी लगभग 1 साल से चल रहा है, टेम्पू के ड्राइवर, जो कि लगभग 150 से 200 मिलियन गाना हो चुका है, जो इनका ही है गाना लिखा हुआ है, मतलब ये क्या बोलते हैं, इनका म्यूजिक किया हुआ, और कुंदन भाई लिखे, कुंदन प्रीत जी ने, होली का गाना था। बहुत सारे गाने हिट हैं खेसारी लाल जी का, हाँ क्यों नहीं, वो भतर मोर टेम्पू के ड्राइवर हझट का मरेला सखी, ये पंच लाइन था जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्यार डाल दिया। फिर अंतरा सिंह प्रियंका का गाना सुनमक सिकरिया है, समर भाई का गाना है, अंकुश राजा का गाना, तो ये सब क्या ना कंटिन्यूटी, बहुत सारे गाने इधर हिट रहे। आज आपकी स्टूडियो ओपनिंग और काफ़ी सारे सितारे और डीजे डायरेक्टर भी पहुंचे हैं, मुन्ना जी हैं, क्या कहना चाहिए इनके बारे में? राजेश भैया हैं, मुन्ना भाई हैं, सब लोग आए, सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा इस। और क्या है कि ये लोग बाहर के लोग नहीं हैं, सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, और कोई चीज़ परिवार में हो तो सारे लोग जाएंगे। रोशन भाई का एक नया कदम है, नया पहलू है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है कि डिजिटल स्टूडियो का जो ओपनिंग हुआ है यहाँ पे, सबके लिए अच्छा है, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे रोशन भाई। राजेश जी क्या कहेंगे आप? बस जो मैंने कहा ही कहूँ, रोशन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बिफोर जिससे शुरू करिए, हम चाहते हैं कि संगीत में जैसे बहुत से शुरू काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें, अच्छा म्यूजिक दें, अच्छा रिजल्ट दें, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं।
वैसे काफ़ी टाइम से के बाद आज मुलाकात हुई, तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत उथल पुथल चल रहा है म्यूजिक और लिरिक्स को लेकर के, चोरी का आरोप ज़्यादा लग रहा है, इस पर क्या कुछ राय देंगे नए जो म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर आ रहे हैं, एक दूसरे को ज़्यादातर चोरी करके गाने को वायरल कर रहे हैं? ऐसा अभी नहीं हो रहा, ऐसा काफ़ी समय से हो रहा है, पहले कम था, पता नहीं चलता था, ज़्यादा हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि लगभग सेम चोरी कर लेते हैं, चाहे धुन हो, धुन के तो कोई वैल्यू नहीं है, पैरोडी का काम चल रहा है। अब आए दिन देखा जाता है स्टूडियो मुंबई में खुल रहा है, क्या आपके अनुसार कई फिल्में जो एक्टर कर चुके हैं, भविष्य क्या है संगीत दुनिया में स्टूडियो का? नहीं, भविष्य अच्छा है, तभी तो खुल रहा है, लोगों का मांग है, जुड़ते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का, अभी खुल रहा है, एक नया पहलू है, हमारे जितना ही ग्रुप है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री सबके लिए अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा है, सिंगरों के लिए अच्छा है, और आगे खोलें भगवान करिए दो चार और रोशन भाई स्टूडियो पर आप खोलें और इंडिया में खोलें। क्या कुछ नया प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल? नया प्रोजेक्ट तो मैं गाने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं शुरुआत यहीं से करूँ, और दो तीन गाने मेरे हैं और मैं शुरू करता हूँ, फिर भी नया प्रोजेक्ट है, फिर मैं चलती रहती हूँ। शुभकामना है रिको डिजिटल पहले स्टूडियो रोशन जी का, तो जैसे हम लोग सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये भी अच्छा काम करें और हमारा भी सपोर्ट रहेगा और उनका भी हमको सपोर्ट रहेगा, तो मिलजुल कर सब काम करेंगे, यही है सब काम में से। स्टूडियो का आपका कोई काम उनका साथ रहता है तो कितनी नई कड़ी जुड़ गई है और अपने पटना से यहाँ से हो गए, फिर तो नई ब्रांच बन गई है, ऐसा नया ब्रांच है उधार नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुंबई में कोई स्टूडियो नहीं है जहाँ हमने काम नहीं किया, चाहे यशराज स्टूडियो हो या कृष्णा एनजी या जितने बड़े स्टूडियो, सब जगह हमने काम किया, यहाँ भी करेंगे, कोशिश करेंगे, रिजल्ट अच्छा रहेगा, साथ में काम करेंगे जरूर। तो गाना कि धरती पर उतरल बचान बदरी के घूंघटवा डाल के, मन करे कसम से दे दे तहरा के, करे जा निकाल के, धरती पर उतरल बचा बदरी के घूंघटवा डाल के। मैं महंत ब्रजमोहन दास दशरथ गद्दी अयोध्या, और कहा गया है हमारे सनातन धर्म में कि अयोध्या ने सदियों से पूरे विश्व को एक आईना दिखाया है, एक जीवन जीने की प्रवृत्ति सिखाई है, और अयोध्या की भूमि स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, और माँ सरयू में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। तो ये B4 डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो का आज उद्घाटन हुआ है, और इसके कर्ता धर्ता जो मालिक हैं रोशन सिंह जी हैं, गौतम सिंह जी हैं, विनोद सिंह जी हैं, जिनके द्वारा इस स्टूडियो का निर्माण किया गया है, और सबको उम्मीद है कि इस स्टूडियो के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे गीत संगीत, समाज के गीत और समाज की और व्यवस्थाएं, देश के गीत, मन जो भी सिस्टम है, मन सुंदर सुंदर गीतों का प्रचार प्रसार होगा, और जितने गायक हैं अच्छे अच्छे गायक आकर यहाँ पे गाएं और उनकी आवाज़ को सुंदर से सुंदर बनाया जाएगा, और कुल मिलाकर इनका उद्देश्य यही है कि संगीत दुनिया में एक अपना अलग स्थान रखता है। मेरा मानना है अगर जीवन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेंशन है, अगर उस टेंशन से उसको निकलना है तो उसको संगीत का सहारा लेना चाहिए, और जो व्यक्ति अगर संगीत का सहारा लेता है तो मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, और उसके बाद संगीत तो है ही, क्योंकि भगवान शिव के जीवन में भी संगीत का अहम योगदान रहा है, और संगीत आज से ही नहीं अनादि काल से चली आ रही है ये परंपरा, वो परंपरा आज भी है, आज भी लोगों के यहाँ शादी विवाह उत्सव अच्छे कार्यों में गीत संगीत ही बजते हैं, और जिससे पूरा माहौल खुशहाल होता है। तो इतना सुंदर स्टूडियो का निर्माण हुआ है, तो मैं तो अयोध्या का संत हूँ, मैं तो दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि दिन दुना रात चौगुना ये स्टूडियो आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। पहली बार मैं बॉम्बे आया और आते ही बहुत बढ़िया स्टूडियो का B4 डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा।
दुनिया में पावन अयोध्या धाम है और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, ओ सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते भक्तों से ये कहती है कि डुबकी लगाने से मिलता आराम है और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। हो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है, यहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी है, लड्डू चने खिलाने से ये खुश हो जाते हैं, साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं, हनुमान गढ़ी में बैठे मेरे हनुमान है, हनुमान गढ़ी में बैठे मेरे हनुमान है, ओ जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, ओ जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। जय जय श्री राम।